नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक ऐसा मिल्क शेक जो गर्मियों में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमको खाना खाना याद नहीं रहता है, लेकिन ये अगर आप एक बार बनाकर पी लेंगे तो ये आपको पक्का याद रहेगा, इतना टेस्टी। आज हम बनाएंगे हरे अंगूर का मिल्क शेक। आइए बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिए हैं आधा किलो हरे अंगूर, उनके जो डंठल वगैरह होते हैं वो मैंने सब निकाल लिए हैं और अच्छी तरह से साफ पानी से धो भी लिया है इनको। अब हम इनको एक मिक्सी या फिर जूसर जार के अंदर डाल देंगे। हरे अंगूर जो थे वो सारे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और अब सबसे पहले हम इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए डालेंगे आधा कप जितना फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो दोस्तों आप घर में दूध पर जो मलाई आती है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है फ्रेश क्रीम, तो आप वो जो है वो भी लाकर डाल सकते हैं। साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पर स्वाद के अनुसार चीनी, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दी है लगभग 5 चम्मच जितनी। अब हम इसमें डालेंगे एक मैजिक वाली चीज, हम डालेंगे यहाँ पर ग्रीन फूड कलर 2 से 3 चुटकी जितना। दोस्तों ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने के बाद जो सुंदर सा कलर आएगा वो इस मिल्क शेक को काफी मनभावन बना देगा। रंग डालने के बाद में हम डालेंगे यहाँ पर आधा लीटर बिल्कुल ठंडा दूध। दोस्तों मैं हमेशा कोई भी चीज में ठंडा दूध डालना ज्यादा पसंद करती हूँ, बर्फ की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको बनाने के बाद में भी एक्स्ट्रा ठंडा करने रखने की जरूर नहीं पड़ती है। मिक्सी के जार को कर देंगे बंद और इसको हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे कि जो अंगूर हैं उनके छिलके हैं वो भी अच्छी तरह से पिस जाएं। कुछ देर तक ब्लेंड करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा हरे अंगूर का मिल्क शेक जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसा अंगूर का प्रॉपर नेचुरल कलर होता है वैसा ही फूड कलर डालने की वजह से आया है, मतलब दिखने में भी सुंदर और पीने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। आइए परोस देते हैं इसको एक बर्तन में। कांच के ग्लास में सबसे पहले हमने जो जूस बना के रखा है वो हम डाल देंगे। ऊपर से एक बार फिर से हम थोड़ा सा ज्यादा ठंडक बढ़ाने के लिए डाल देंगे आइस क्यूब्स या जमाया हुआ बर्फ। मिल्कशेक को कांच के ग्लास में भरने के बाद गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर चॉकलेट चिप्स, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। आप अपने मनपसंद तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं। बेहद ही आसान सी रेसिपी दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं हमारा ग्रीन ग्रेप्स का मिल्कशेक जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपके सामने मैंने परोस दिया है इसको गार्निश करके चॉकलेट चिप्स और एक बार थोड़ी सी क्रीम के साथ। फिर से आप अपने अलग अलग तरीकों से इसको गार्निश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, लेकिन देगा तो ये तन और मन को ठंडक, क्योंकि गर्मी जब होती है तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था खाने से ज्यादा हमको कोई भी रिफ्रेशिंग लिक्विड की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बेहद आसान सी रेसिपी है दोस्तों, एक बार ट्राई करिए, आप भी इसके फैन हो जाएंगे, आप हर रोज बना के पिएंगे। वैसे भी अंगूर जो है वो बेहद ही ज्यादा गुणकारी फल है। कहते हैं कि अंगूर जो है वो कैंसर के सामने भी लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है, तो क्यों ना हम इस गुणवान फल को, अभी इस मौसम में मिल ही रहा है, तो इससे कोई नई रेसिपी बनाए और इसका भरपूर आनंद ले, खुद भी पिए औरों को भी पिलाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, साथ ही में मुझे लाइक करिए ताकि मेरा हौसला जो है वो बना रहे, और हाँ मेरी रेसिपी को औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको बनाकर इसका आनंद ले सके। हमेशा नए नए अपडेट्स के लिए हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।